सो हे गाइस, फाइनली NS200 को फिर से अपडेट कर दिया है बजाज ने और कुछ नए फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया है। बट अपनी RS200 का क्या हुआ, इसमें क्या अपडेट्स आने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यही सब बारे में डिस्कस करने वाले हैं। RS और NS दोनों ही बाइक्स भाई बहन जैसा है कि एक में अपडेट आना है तो दूसरी बाइक में भी अपडेट आपको देना जरूरी है, क्योंकि दोनों बाइक सेम इंजन, सेम चेसी और सेम फीचर्स को फॉलो करती है। बजाज के CEO ने अपने इंटरव्यू में तो बहुत सारे वादे किए हैं, बट देखने वाली बात है कि वो क्या क्या लॉन्च करके हमें दे सकते हैं। RS200 के नए अपडेट में आपको न्यू मीटर कंसोल देखने को मिल सकता है, जो आपको NS200 में मिल रहा है। और पर्सनली आपने इस मीटर कंसोल को देखा, ये थोड़ा और प्रीमियम देने का जरूरत था मेरे हिसाब से। और इसी के साथ आपको फुल LED सेटअप RS200 में भी देखने को मिलेगा। लुक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बजाज अपनी बाइक्स में लुक को कभी चेंज करती ही नहीं है, और लुक को चेंज करने से इनका सेल्स और डाउन हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। बट R15 वर्जन 4 में देखो यार, क्या तहलका मचाया उन्होंने। और जहां तक कि मुझे लगता है RS200 में भी आपको USD सस्पेंशन फाइनली देखने को मिल जाएंगे, बट उसमें भी आप टायर्स का एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि टायर्स उसमें भी 130 सेक्शन का ही पीछे मिलने वाला है। और कुछ खास उम्मीद तो नहीं है कि RS200 में चेंजेस हो सकते हैं बजाज की तरफ से। हो सकता है कि हेडलाइट का डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए, जैसे कि NS200 में किया गया है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि RS200 में ऐसा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लुक वाइज आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको मीटर कंसोल में चेंज देखने को मिल सकता है, USD सस्पेंशन देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ LED सेटअप देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से कोई भी चेंजेस RS200 में करने की जरूरत भी नहीं है, और कंपनी वाले करने भी वाले नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, अपनी बाइक की क्वालिटी को थोड़ा सा मेंटेन करना, क्योंकि यार RS200 बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और इस बाइक में आप जितना भी फेयरिंग वाले पार्ट्स देखोगे वहां के बीच में गैप आ जाता है और बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो इसको थोड़ा सा अगर बजाज फिक्स कर पाए अपने नेक्स्ट अपडेट में, तो ये हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अभी आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि ये चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस हो रहा है, बट मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। और ये लोग 4-5 साल से ही डाल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि आपको रियलिटी का फर्क हो। अगर आप अभी बाइक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है, और अगर कुछ डिफरेंस आता भी है तो प्राइस भी इसका हाई जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।